मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 22वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ें। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं और उसमें मनुष्य जाति के लिए दी गई चेतावनियां हमेशा के लिए एक जैसी ही हैं। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर के वचन पुराने जमाने के लोगों के लिए था जिनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी। आज हम ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, हमारे लिए नहीं है, ऐसे मत सोचिए। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु के आगमन में देरी हुई और अगर ये पृथ्वी 1000 साल और चले, परमेश्वर का वचन उस आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसा ही है, कभी बदलता नहीं। इसके पीछे का कारण, सर्वज्ञानी परमेश्वर उसको हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल भी अच्छी तरह मालूम है। यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक एक आत्मा को रचता है और थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी में रहने का मौका देता है, और उसका इस संसार में रहने का जो अवसर मिलता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर हर माँ बाप को आज्ञा देता है कि अपने लड़के को, अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है। परमेश्वर ने हर मनुष्य को आजाद मर्जी दी है, जिसके कारण उसके पास ये आजादी है कि वो चुन सके सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन एक बच्चा उस स्तर में पहुंचने से पहले, यानी पापमय वातावरण के प्रभाव में आने के पहले, एक ऐसा समय जब वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करने के पहले, मां बाप को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उस बच्चे को, उस निष्कलंक जीवन को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के लिए सिखाना है, उसके स्वभाव को ढालना है। ज्यादातर मां बाप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और वो संघर्ष कर बच्चों को सबसे अच्छी पढ़ाई, सारी सहूलियत उनको देने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं कि उन्होंने मां बाप के तौर पर बच्चों के जीवन में कितनी भारी जिम्मेवारी निभानी है। एक बच्चा पापमय संसार के साथ मुठभेड़ करने के पहले एक समय है जब वो निष्कलंक समय जब वो अपने मां बाप के साथ बिताता है, और वो हर बच्चे के लिए वो समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक बच्चा बढ़ता है, भविष्य में फिर उसे सही मार्ग में चलाने का अवसर नहीं मिलता है। इधर वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि जिस मार्ग में उसे चलना है बच्चे को उस समय सिखाना है, एक बच्चे को सिखाना सही मार्ग में चलना, बोलना आसान है लेकिन परमेश्वर की नजर में उतना काफी नहीं है। वचन सिखाती है कि उसे शिक्षा देना, शिक्षा देने का मतलब मां बाप को उसको सिखाने में प्रयास करना है, उनके सामने नमूना देना है, इसमें प्रेम भी करना है, देखभाल भी करना है, सुधारना भी है, छड़ी का इस्तेमाल भी करना है जब गलतियां होती हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके साथ भी प्रार्थना करना है, और सबसे बढ़कर उन निष्कलंक आंखों के सामने नमूना देना है। शिक्षा देना, उपदेश देना आसान है लेकिन नमूना देना इतना आसान नहीं है। जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो हमारे खुद के स्वभाव में बदलाव आता है। जब माँ बाप बनते हैं तो कंधे में बड़ी जिम्मेवारी आती है, पहले की तरह अब आजादी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब एक एहसास होता है कि दो निष्कलंक आंखें ध्यान से हर बात को देख रही हैं। सो जब बच्चे को सिखा रहे हैं
तो हमारे जीवन में भी बहुत से बदलाव आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये आदत हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं। जब एक माँ बाप प्रार्थना के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाता है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे के जीवन में रहता है और उसके जीवन के यात्रा के अंत तक बना रहता है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब पाप अपनी चरम में पहुंच चुका है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित है, चाहे दोस्तों का झुंड हो, चाहे स्कूल का माहौल हो, चाहे कहीं का भी माहौल हो। पाप की पकड़ हर जगह है और उसके चुंगल से बच्चे को बचना इतना आसान नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को बाहर के संपर्क से रोक कर रखें तो आज हम देखते कैसे सोशल मीडिया घर के अंदर तक बच्चे को पकड़ती है। लेकिन परमेश्वर के वचन की चेतावनी कभी रुकती नहीं है। हम सब मूसा के जीवन के बारे में जानते हैं, जो महल में पला मिस्र में, सबसे पाप भरा माहौल था। वहां पर उसे अगुवाई करने के लिए कोई पासवान नहीं, कोई सही सलाह देने के लिए कोई नहीं। लेकिन हम देखते हैं कैसे मूसा ने अपने जीवन में सही फैसले लिए, परमेश्वर के मार्ग को चुना। उसके माँ को जितना भी मौका मिला उस समय का लाभ उठाकर बच्चे को सही शिक्षा दिया है और वो कभी भी उस मार्ग से भटका नहीं। सो इसलिए आज हमारे पास कोई बहाने नहीं है कि हम वचन को तुच्छ समझे। हमारे कोई भी बच्चे मूसा के तरह वो पापमय माहौल में नहीं पल रहे। आज ये संसार कितना भी पाप से भर जाए, माँ बाप के तौर पर हमें अपना जिम्मेवारी निभाना है, बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलना सिखाना है। सबसे पहले हम खुद सच्चे मन से उस मार्ग में चलें और बच्चों को भी साथ लेकर चलें, ताकि वो भी इस मार्ग के धन्यता को अनुभव कर सके। हम इस मार्ग में बुड़बुड़ाते हुए ना चलें। आइए प्रभु को दिल से प्यार करें, प्रभु के वचन को माने और इस मार्ग का आनंद को अनुभव करें। हमारे बच्चों के सामने हमारा जीवन उदाहरण का होने दे। अब्राहम परमेश्वर के मार्ग में चला, अपनी पीढ़ियों को भी उस मार्ग में चलना सिखाया। हां, अब्राहम से और पीढ़ियों से गलती हुई, लेकिन विश्वास योग्य परमेश्वर उनके सच्चे दिल को देखा और उनको सही मार्ग में वापस लेकर आया। सो आइए हम अपने बच्चों को प्रार्थना पूर्वक सही मार्ग की शिक्षा दें, क्योंकि प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे हमेशा के लिए खो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी चेतावनियों के लिए, आपने हमें दी हुई इस बड़े जिम्मेवारी के लिए धन्यवाद। प्रभु, हमारे बच्चे जो आपने हमें दिए हैं, बहुमूल्य आत्माएं हैं, उनके पीछे मेहनत करने के लिए, सही नमूना देने के लिए, सही अगुवाई करने के लिए आप हमें मदद करें। आज दुनिया व्यस्त होते जाते वक्त प्रभु इस जिम्मेवारी की गंभीरता समझने के लिए हम एक एक माँ बाप को सहायता करें। देर होने के पहले जो हमें करना है वो हमें करने के लिए मदद करें। ज्ञान दे प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं। हर परिवार में आपकी आशीष हो, हमारे संतान आपके नाम के महिमा के कारण बन सके, उनके द्वारा दुनिया आपकी आशीष को देखे, आपकी महिमा को देखे। सब महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथा।